जी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्या और मैं सफदर खान क्या अच्छा फ्रेंड्स आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोसेस होता है उसकी बेसिक्स के हवाले से यानी आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिकली क्लिनिंग वैलिडेशन होती क्या है उसको किस तरह प्रोसीड किया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आज की वीडियो का फोकस रहेगा तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ कनी और मैं सफदर खान की जो लोग चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब लादमी कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे देख फ्रेंड्स जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे होते हैं जो आप मैनुफेक्चरिंग के आपका वैसल्स इन्वॉल्व है जो आपके इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में जाने के लिए उनको कंटामिनेशन से बचाने को क्लीनिंग आप कहते हैं यानी वो कंटामिनेंट नहीं है आपकी

इसीलिए चीज को वैलिडेट किया जाता है कि चीज़ आपकी एक्यूरेट है जो जस्टिफाई करती है कि जो जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं जो भी ऑपरेशन आपने किया हुआ है वो एक्यूरेट है ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली ये वैलिडेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट था अच्छा आप ये बात करते हैं कि क्लिनिक uh, वैलिडेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किस तरीके से उसको प्रोसीड करना चाहिए और क्या क्या, क्या चीजें इसके साथ साथ होनी चाहिए देखिए सबसे नंबर वन बात आपके पास वैलिडेशन का प्रोटोकॉल होना चाहिए सबसे पहले बेसिक थिंग जब भी आप क्लीन क्लिन का प्रोसेस करने जाएंगे, करने जाएंगे जाएंगे क्लीन एरिया की तो वो आपके पास उसके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए थ्रू गाइडलाइन जिसके तहत आप उसको एक टेम्परेट फॉर्म में लेके आएंगे और उस प्रोटोकॉल में क्या होना चाहिए अब दूसरी बात ये सुन लीजिए उस प्रोटोकॉल के अंदर ये मैंशन होना चाहिए कि आपका क्लीन वेडेशन का प्रोसेस क्या होगा वो सारी चीज उसके अंदर मैंशन हो नंबर दो उसके अंदर जिस क्लीनिंग एजेंट से आप उस प्रोसेस को क्लीन करेंगे अपने वेसल्स को इक्विपमेंट्स को वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं कौन सा वाटर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर हो नंबर तीन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आपके रिजल्ट्स आएंगे जिससे आप चेक करेंगे उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की लिमिट डिफाइन होनी चाहिए उस प्रोटोकॉल के अंदर नंबर चार उस प्रोटोकॉल के अंदर आपका स्टाफ डिफाइन हो कि कौन कौन से लोग इस क्लिनिक रिलेशन में इन्वॉल्व होंगे इंचार्ज इन है मैनेजर है असिस्टेंट मैनेजर है जो जिस लेवल का लोग है जो जो जिन्होंने इसको प्रोसीड किया एग्जीक्यूट किया और जो सिग्नेचर बॉडीज है उस सब के नेम यहाँ पे नॉमिनीस के प्रोटोकॉल के अंदर मैंशन होते हैं ठीक है नंबर पांच जो आपका स्टाफ इन्वॉल्व है वो ट्रेन होना चाहिए ठीक है वो डॉक्यूमेंट वाइज ट्रेन हो उनका अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेलीडेशन क्या होती है क्लिनिक uh, क्या होती है प्रोटोकॉल uh, क्या होता है एसओ क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन वर्क कैसे करते हैं वो ट्रेन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रेशियर्स को इस हवाले से इसमें कम रखा जाता है वो सपोर्टिंग एंड से हो सकते हैं ठीक है नंबर पांच आपके पास सैंपलिंग का जो क्राइटेरिया है वो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने किस किस जगह से सैंपल लेने और कितने कितने सैंपल लेने और किस किस इंटरवेल से सैंपल लेने ये सब उस प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन होता है अच्छा सैंपलिंग की बात करें दो तरीके आप सैंपलिंग करते हैं एक डायरेक्ट सैंपल होता है और एक होता है सैंपल सैंपल आप उस जगह से करते हैं जो एरिया बहुत बड़ा होता है एक्सेस आपके नहीं होती तो आप उस जगह को रेंज करके सैंपल ले लेते हैं डायरेक्ट सैंपल वो होता है पे आपके एक्सेस इजीली होती है और आप डायरेक्टली उस जगह से स्वैप करके किसी भी तरीके से जो आपका प्रोसीजर मेंशन होता है उसके तहत सैंपल कर लेते हैं ये दो तरीके होते हैं सैंपलिंग करने के फिर दूसरा उस प्रोटोकॉल के अंदर उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मैंशन होना चाहिए कि आपके एरिया का साइज कितना है जिस जगह की आप क्लिनिंग रिलेशन कर रहे हैं वो साइज भी उसके अंदर होना चाहिए ये वो एक्टिविटीज है ये वो डॉक्यूमेंट है के का जिसके बगैर आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं जाती है ट्रैप की रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट है जिस कंट्री के अंदर भी आप एग्जिस्ट करते हैं तो इसके बगैर आप आपकी मैनुफैक्चरिंग uh, प्रोसेस को आप नीट एंड क्लीन एज पर सी पे नहीं परफॉर्म कर सकते है. आपके जीएमपी पे वर्किंग नहीं है या, इसके आप सी जी एम पी पे नहीं है तो ये कुछ बेसिक्स हैं है किस तरीके से प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या, -क्या चीजें होनी चाहिए हो और किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या चीज उसके अंदर आपने करनी है दूसरा ये सारी एक्टिविटीज जो टेस्टिंग आपने परफॉर्म करनी है ये केमिकली आपने देखना है और माइक्रोबायोलॉजिकली दोनों एंड से देखना है सिर्फ एक एंड से नहीं उस प्रोटोकॉल के अंदर ये मेंशन करेंगे कि केमिकली आपने किस तरह उसको परफॉर्म करना है टेस्टिंग और माइक्रोबायोलॉजिकली भी मेंशन आपने करेंगे कि कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी एग्जिस्टेंस नहीं आ रही और उसकी लिमिट भी डिफाइन हो कि अगर है तो किस लिमिट तक होना चाहिए और किस लिमिट तक नहीं केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली दोनों एंड से क्लिन प्रोसेस को आप देखते हैं नॉट ओनली केमिकली तो फ्रेंड्स ये है कुछ बेसिक्स के किस तरह आप प्रोटोकॉल को लेके चलते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट बेसिकली जो कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस आप करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन का जो प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ये वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जिसके बगैर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट ही नहीं कर सकते इसका मेन पर्पस क्या है अपने आप प्रोडक्ट को कंटामिनेंट से बचाना और पैशन को सेव करना इसीलिए आप क्लीनिंग वैलिडेशन कर रहे होते हैं क्लीनिंग कर रहे होते हैं ताकि पैशन आपका सेफ रहे और आपकी प्रोडक्ट जो है फ्री ऑफ कंटामिनेंट मार्केट पर जाए तो क्लोज करते हैं इस यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा डिस्कशन थी जस्ट के क्लिनिक वैलिडेशन की बेसिक्स क्या है तो वीडियो को यहाँ एंड करके इनशाला आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ किसी और इसमें भी बात हो सकती है तो उस वक्त तक के लिए इजाजत थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज